नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों, क्या आपके कुएं की मोटर आपने बाहर निकाली है, उसमें कुछ नटबोल्ट्स रहते हैं, उसमें जंग लगा रहता है, या तो आपका टेलपीस कहीं पे ज्वाइंट किया है वहां पे भी जंग लगा रहता है, आपको नटबोल्ट नहीं खोल पाते, आपने ढेर सारे रिंच रखे रहते हैं आपके पास, लेकिन उसमें से कुछ कभी कभी क्या होता है, कोई रिंच काम में नहीं आता है। तो मैं आज आपको ऐसे चार रिंच, जुगाड़ रिंच है दोस्तों, आज दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन है, हमारे पापा ने उसको बनाए हुए, मैं आज आपको डिटेल में उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, आपके बहुत ही काम में आएंगे दोस्तों, अब कोई ढेर सारे रिंच रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला जो रिंच है दोस्तों, ये जो है हमने अमेजोन से मंगाया था, ये कोई बनाया हुआ रिंच नहीं है, ये जुगाड़ रिंच नहीं है, ये जो है यूनिवर्सल दोस्तों रिंच है। इस रिंच का नाम है स्नैप और ग्रिप। 9mm से लेके 32mm तक जितने भी नट बोल्ट्स रहते हैं इससे आप खोल सकते हैं। और इससे फायदा क्या होता है कि 9mm से 32mm जितने भी बोल्ट रहते हैं आपको अलग अलग रिंच लेने की जरूरत नहीं है, इससे काम हो जाता है। ये देखिए, ये इसकी बनावटी यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीछे जो है प्लास्टिक का पूरा है, इसके ऊपर लगा हुआ है और आगे ये ऐसे फोल्ड करता है। और आप बाकी भी ये देख सकते हैं यहाँ पे नटबोल्ट हम इससे कैसे खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना भी कारगर नहीं है, अगर कोई बड़ा नटबोल्ट आप खोल रहे हैं अगर इसको झटके में अगर हिला देते तो ये टूट भी सकता है। लेकिन ये है कि छोटे मोटे नटबोल्ट्स आपको ढेर सारे रेंच रखने पड़ते हैं, उतने तो आपको ज़रूरत नहीं है। और इसकी कीमत अमेजन पर 200-250 रुपये है, ठीक है, उतने में आप अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ पहला रेंच। अब हम देखते हैं जुगाड़ रेंच, जो दूसरा हमारे पापा ने जो बनाया है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जुगाड़ रेंच है। अब इसकी बनावटी क्या है खास, मैं पहले बताता हूँ आपको, फिर यूज़ की बात करते हैं। देखिए, ये क्या है, जो हमारा रेंच है 15-16 का रेंच इसमें यूज़ किया है और इसमें हमने इसको काट दिया है और साइड से एक बोल्ट है और ये नट हमने इसमें लगा दिया और इसके ऊपर की थ्रेड भी यहाँ पे देख सकते हैं। इससे क्या है कि इसको जैसे कसेंगे ये इसके ऊपर नट बोल्ट नट के ऊपर कसता जाएगा, इसके अंदर फंसा के इसको घुमा सकते हैं, पूरी इसकी बनावटी देख सकते हैं। बहुत ही आसान बनावटी है और बहुत ही ढेर सारे काम में आता है। अगर स्नैप और ग्रिप की जगह भी आप इसको भी यूज़ करते तब भी काम चल जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये रेंच है दोस्तों। और इसका यूज़ जो है आप छोटे मोटे जितने भी 15mm के अंदर के नटबोल्ट्स हैं उसको आसानी से इससे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरा जो रेंच है बहुत ही बेहतरीन, ये देखिए, इसको हम कह सकते हैं सकरा रेंच कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने ये जो चैन है, गाड़ी की चैन, साइकिल की चैन, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब पहले इसकी बनावटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे क्या है, एक थ्रेड वाला लंबा बोल्ट यूज़ किया, ठीक है, और पीछे जो है यहाँ पे हमने पकड़ने के लिए दिया और बीच में एक रॉड लगाया, रॉड लगा के आगे एक ऐसी गोल लगा दिया यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ताकि इसमें कस सके। और यहाँ पे दो छोटे छोटे नट, यहाँ पे एक पाइप, और करना क्या रहता है, ऐसे हम इसको कस देते हैं। देखिए, कस देने के बाद आगे जो है इसमें जो बोल्ट इसमें हम पकड़वा देते हैं आगे, और उसके बाद हम पीछे से घुमा देते हैं। इसमें क्या है, जहाँ जहाँ पे आपके अगर मान लीजिए वॉल रहते हैं वो टूटे रहते हैं वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, या तो टेलपीस हमारे जो लगे रहते हैं, ढक्कन हम पानी के ऊपर लगाते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो भी जंग लगे हुए हैं छूट नहीं पाते वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं हमारे पास रेंच ऐसे नहीं रहते कि वहाँ पे हम एडजस्ट कर सकें, तो कोई भी रेंच में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, इसकी बनावटी आपको समझ में आ ही गई होगी। अब दोस्तों, आखिरी जो रेंच है बहुत ही बेहतर है आपके लिए, मैंने ये पीछे रखा हुआ था, ये देखिए। अब ये रेंच खास करके काम में कहाँ कहाँ आता है पहले हम बात करते हैं। देखिए, कोई भी पाइप को ग्रिप पकड़ना हो तो ये रेंच काम में आता है, प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, थोड़ा बहुत सपोर्ट उसको देना पड़ता है, कई दफ़ा क्या होता है कि स्लिप भी हो जाता है, लेकिन स्लिप ना हो तो इसलिए इसकी बनावटी कैसे है अब उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने सकरा लिया, आगे एक रॉड लिया, उसके ऊपर एक बोल्ट डाला, बोल्ट के अंदर से यहाँ पे ये सकरा, यहाँ पे ये देखिए पास कर दिया। ये सकरा पास कर देने के बाद यहाँ पे पीछे जो है सकरा को ग्रिप पकड़ने के लिए हमने एक बेरिंग लिया, ये देखिए यहाँ पे बेरिंग लगा दिया और बेरिंग के पास ये हुक लगा दिया एक, और पीछे थ्रेड वाला नट बोल्ट, और ये हुक में से सकरा ऐसे पास करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐसे पकड़वा देते हैं, ऐसे पकड़वा देने पर ये कसा जाता है इसमें, ऐसे ऐसे पकड़वा के ये पीछे से अगर ऐसे घुमा देंगे इसको, ये देखिए यहाँ पे, तो ये ग्रिप पकड़ लेता है। तो इसको ना आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं ग्रिप के लिए खास करके, लेकिन एक चीज़ है कि इससे जो है आप नट बोल्ट ज़्यादातर नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि इसको जो है ग्रिप के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी पाइप हो, प्लास्टिक पाइप, लोहे का पाइप पकड़वाना है, पकड़ नहीं पा रहे, तो वहाँ बेहतरीन तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और बड़े जो नट बोल्ट रहते हैं, एकदम हेवी जो रहते हैं, वहाँ पे आप इसका ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसको यूज़ किया था अपने कुएं में, एक मोटर निकाली थी, उसका पाइप नहीं निकल रहा था, जंग लगा था, इसको लगाया और मैंने खींचा, तुरंत निकल गया। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो है चार रेंच आपको खेती में हर जगह यूज़ आएंगे, ढेर सारे आपको रेंच रखने की ज़रूरत नहीं है, बोरी भर के, पन्नी भर के, बैग भर के, इतने चार, अगर चार पांच रिंच रखेंगे आपका काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये चार रिंच आपको
समझ में आएंगे तो कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसे लगे, और वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।